बाड़मेर शहर में बाहर रहने वाले लोगों के आने का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शुक्रवार को भी कई बड़े व छोटे वाहनों में भरकर दर्जनों लोग पूरा दिन गुजरात से बाड़मेर आए। बाड़मेर आने पर इन लोगों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीमों ने पूर्ण जांच की। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इन बाहर से आए लोगों की जाँच के साथ इनके नाम, फोन नंबर आदि डिटेल को भी नोट करने के बाद अपने घरों में ही रहने व तबीयत खराब होने पर तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाँच करवाने की हिदायत दी। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जहां विश्व भर में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं प्रत्येक देश अब इस महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। छह दिन पूर्व जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य को लॉकडाउन घोषित किया, वहीं मंगलवार रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन जारी करते हुए सख्त रवैया अपनाया और संपूर्ण देश को अगले 21 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित करते हुए देशवासियों से घर से बाहर न निकलने की अपील की, जिसके बाद बुधवार से ही जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस अधीक्षक से मिले निर्देशों को लेकर बाड़मेर पुलिस सख्त नजर आई और शहर के विभिन्न चौराहों पर पुलिस ने नाकाबंदी कर यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से सख्ती से पूछताछ कर अनावश्यक बाहर निकलने वाले लोगों को कानूनी कार्यवाही की चेतावनी के साथ समझाइश करती नजर आई। पुलिस बलों ने शहर के अहिंसा सर्किल, चौहटन सर्किल, शहीद सर्किल, सदर बाजार, सिटी कोतवाली थाने के पास समेत शहर के विभिन्न इलाकों में मोर्चा संभाले रखा हुआ है। वहीं शुक्रवार को शहर के चौहटन चौराहे पे बड़ी संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र से लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा गुजरात और जालौर से लगती सीमा के सील किए जाने के आदेशों के बावजूद इतनी संख्या में लोगों के पहुंचने पर प्रशासन के दावों पर सवालिया निशान खड़ा होता है। विभिन्न माध्यम से पहुंच रहे लोग बाड़मेर जिले के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। अकेले शुक्रवार को सैकड़ों लोग बाहरी राज्यों से बाड़मेर शहर पहुंच रहे हैं। अंबेडकर सर्किल पर तैनात मेडिकल टीम द्वारा सभी नाम नोट किए जाने के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी देखा जा रहा है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अगले 15 दिन तक अपने परिवार के सदस्यों को दूर रहने की नसीहत भी दी जा रही है। इन लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रकों में भरकर लाने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस और परिवहन विभाग सख्त नजर आया। कुछ ट्रकों को पुलिस द्वारा जब्त भी किया गया। आज हमारी यहाँ आज क्या 22 तारीख से हमारी यहीं पे ड्यूटी है। हम 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, एक टीम सुबह काम कर रही है, एक टीम शाम को काम कर रही है। अब तक क्या जांच कर रहे हैं और आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं जिनसे आप उनकी प्राथमिक जांच कर रहे हैं? जांच तो अब जैसे है कि इसका सिम्टम जो है वो कम से कम 10 दिन के बाद में पता चलता है। तो अभी हम टेम्परेचर ले रहे हैं, सभी जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनका टेम्परेचर ले रहे हैं और सिम्टम पूछ रहे हैं। अगर उनको थोड़ा बहुत भी जैसे खांसी जुकाम लग रहा है, आज जैसे हमें 3 जनों का लगा था, हमें खांसी जुकाम वो हिस्ट्री दे रहे थे, फीवर तो नहीं था लेकिन हमने फिर भी उनको बाड़मेर सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया। तो अब तक आप इतने दिनों से जांच करें, अब तक कितने सस्पेक्टेड आपको आ सके जो लगा आपको कि संदिग्ध है और उनको हॉस्पिटलाइज कर? तो हमें नहीं लगा क्योंकि अब जैसे लॉकडाउन को हुए 22 तारीख से अभी चल रहा है तो सिम्टम आने अब शुरू होंगे। तो जैसे आज हमें 3 जने लगे तो हमने 3 जनों को आगे वहीं समदड़ी क्षेत्र में कोरोना वायरस को लेकर स्थानीय मेडिकल टीम पूरी तरह से सजग और सतर्क नजर आ रही है। क्षेत्र के करीब 3 गांव में चेक पोस्ट लगाई गई है जिसमें आने वाले और जाने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग और जांच की जा रही है। वहीं ब्लॉक में करीब 70 लोग बाहर से आए थे जिनकी जांच की गई है। बाहरी प्रदेशों से लौटे हुए लोगों की जेठमतरी में पहुंचने की सूचना मिलने पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमाराम डोगियाल मेडिकल टीम के साथ लोगों के घरों में पहुंचे और प्रत्येक घर के सभी प्रदेश से लौटे लोगों की स्क्रीनिंग कर जांच की गई, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया। जेठमतरी गांव में अब तक 130 जनों की स्क्रीनिंग की गई एवं उनको 14 दिनों तक घर में रहने की बात कही गई। डॉक्टर हिमाराम डोगियाल के दिशा निर्देश के साथ सावधानी से रहें और सतर्क रहें। समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत जेठमतरी गांव के अंदर रैपिड रेस्पॉन्स टीम द्वारा अभी तक 130 से ऊपर मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है जो कि बाहर से आए हुए हैं। अभी तक कोई संदिग्ध नहीं पाया गया है लेकिन ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि मान लो मरीज कल या परसों अगर बीमारी लगी है तो वो 14 दिन के अंदर अंदर कभी भी वो बीमार हो सकता है। इसलिए जेठमतरी में जो भी लोग स्क्रीन हुए हैं वो अपने आप को नेगेटिव नहीं माने और 14 दिन के लिए घर के अंदर ही रहें।